मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस लोकसभा चुनाव में एमपी की सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया और कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई इबारत लिख रहा है। अब की बार सभी 29 सीट जीतने के संकल्प के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जिला पंचायत के नव निर्वाचित अध्यक्षों को बधाई दी। उन्होंने कहा देश तभी संपन्न हो सकता है जब आंतरिक विषयों को दुरुस्त किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 370 हटाकर न केवल जनसंघ के जमाने के हमारे संकल्प को पूरा किया बल्कि सबसे बड़े आंतरिक विषय को सुलझाया। कमलनाथ के भाजपा ज्वाइन करने के सवाल को यादव टाल गए। यादव ने दावा किया कि इस बार भाजपा मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीतेगी। आज मैं अत्यंत आनंद और खुशी के साथ दोहरी खुशी में सम्मिलित हुआ हूं। यहां हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव का कार्यालय का शुभारंभ हुआ विधिवत पूजा पाठ के साथ। हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णु शर्मा जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण और हम सब ने मिल करके अब की बार अपने प्रदेश के अंदर जो हमारी 29 की 29 लोकसभा वो विजय हो इस संकल्प के साथ आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ और जैसे कि हमारे लिए दोहरी खुशी का माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, अभी अभी समाचार मिला कि हमारे अधिकांश यानी नगर चारों के चारों ही हमारे जिला पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। मेरी अपनी ओर से सभी विजयी जिला पंचायत के अध्यक्षों को बधाई और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल शंखनाद किया है और जो मूल हमारे लिए हमारी पार्टी का एक जनसंघ के जमाने से जो हमारा प्रमुख एक बड़ा विषय था धारा 370 को लेकर के, इस बार की जो गत लोकसभा में पूरे 5 साल के अंदर हमारे सारे बड़े बड़े टारगेट जिनके आधार पर देश की दिशा बदलेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।